हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि की दुनिया। ज़्यादातर मेरे व्लॉग्स की शुरुआत ऐसे ही होती है लेट के, बिकॉज मैं बहुत मतलब ज़्यादातर मैं सुबह से ही शुरू करती हूँ और मैं बिस्तर पे ही होती हूँ। खैर अभी सुबह नहीं है, अभी शायद 11 या 12 बज रहा है। और होल नाइट मैंने पूरा रात भर शूट किया और गेस व्हाट, सिर्फ दो ही मैंने लुक किए एंड उसी में मुझे, मैं बैठी थी 10 बजे और 10 बजे से मुझे सुबह के 5 बज गए। आई मीन सीरियसली मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैंने इतना टाइम कैसे लगा लिया, पर यूजुअली मुझे इतना टाइम नहीं लगता है, पर पता नहीं क्या हो रहा था रात को। फिर मैं रील्स वगैरह भी, मतलब नहीं कि थोड़ा होता है ना कि लुक के शॉर्ट्स वगैरह लेने के चक्कर में, तो रील्स वगैरह भी बना रही थी। तो आई थॉट मैं कम से कम 4 वीडियो तो शूट करूँगी एंड मैंने सिर्फ 2 वीडियो शूट किया, वो भी मेकअप वीडियो, और मेकअप के साथ में मैंने अल्टरनेटिव कुछ भी शूट नहीं किया। तो मेरा कल का रात का तो हो गया, तो आज मैं अभी सोच रही हूँ आज भी शूट करूँ, मतलब क्योंकि आज मुझे ऑफ था तो मैंने सोचा था कल रात को भी पूरे शूट कर लूँगी तो आज मुझे आराम मिलेगा, पर ऐसा नहीं है यार। मुझे सुबह उठना पड़ गया क्योंकि घर में मेहमान आ गए थे एंड फिर अब वो तो चले गए। तो अभी मैं प्लान कर रही हूँ शूट करने का, हिम्मत ही नहीं होती है मेरी, पता नहीं क्या हो रहा है। पहले जैसा, पहले मतलब जब से मैं बीमार हुई हूँ ना तब से मेरी बॉडी साथ ही नहीं देती है कि हाँ सिमरन कर ले, उठ ले। इच्छा बहुत होती है पर उठने की हिम्मत नहीं होती है। खैर फिर भी मैं अभी प्लान कर रही हूँ और फिर अपडेट क्या होगा, और शायद से डांस प्रैक्टिस के लिए भी मे भी शायद मैं जा सकती हूँ, तो अगर मैं जाती हूँ तो मैं वो भी दिखाऊँगी और बताऊँगी कि क्या सब होने वाला है। ठीक है, तो मुझे रिसीव हुए हैं जस्ट अभी वाव की ये आमला रेंज, तो 2-3 बार ट्राई करूँगी इसका। मेरे पास में शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल एंड हेयर मास्क ये रिसीव हुआ है, तो अभी पहले इसको यूज़ करूँगी एंड फिर देखती हूँ कैसा लगा। वैसे एक मैं बात बताती हूँ कि वाव के कुछ प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे नहीं लगे तो वो मैंने शेयर ही नहीं किया है। सीरियसली पहले मेरा होता था कि हाँ ये अच्छा नहीं लगा तो वो भी बता देती थी वगैरह वगैरह, पर किसी को डिफेम करने से अच्छा, या फिर हो सकता है कि वो मुझ पे नहीं अच्छे लग रहे हो या मुझे नहीं अच्छे लग रहे हो पर किसी और को अच्छे लग रहे हो। मेरा स्किन टाइप अगर ऑयली है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मेरा स्किन टाइप ऑयली है और कोई फाउंडेशन अगर मेरे फेस पे नहीं सूट कर रहा है, इट डजेंट मीन कि वो फाउंडेशन ख़राब है। तो है ना, तो अब कैसे जब नया नया चैनल स्टार्ट होता है तो नहीं समझ में आता है उतना सब कुछ, तो अभी मैं वही करती हूँ। जो चीज़ पसंद नहीं आती है मैं डायरेक्टली ब्रांड को बोल देती हूँ कि नहीं ये चीज़ पे मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, मैंने यूज़ किया अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सीधा मना करती हूँ। अब मैं इसको यूज़ करके देखूँगी एंड अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करूँगी। अल्सो मैं एक और एक बात बोलना चाहूँगी कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो वीडियो होता है वो सभी का, मतलब मैं कैसे बताऊँ, जैसे कि मैंने भी वाव के कुछ फ़र्स्ट इम्प्रेशन शेयर किए हैं एंड कुछ फ़र्स्ट इम्प्रेशन में बहुत अच्छे वर्क करते हैं एंड बाद में वो वर्क नहीं करते। मतलब पहली बार में ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही अच्छा वर्क किया है एंड फिर जब एक दो बार यूज़ करो तो उतना अच्छा वर्क नहीं करते। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट फर्स्ट इम्प्रेशन में बिल्कुल वर्क नहीं करते और बाद में जब हम उसको यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी अमेजिंग वर्क करते हैं, तो ऐसा होता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन अगर वीडियो है तो उसका डबल से यूज़ किसी भी यूट्यूबर का आप ज़रूर देख लेना कि वो डबल से उसके बारे में क्या अपना ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत से लोगों का अच्छा होता है, किसी का अच्छा नहीं होता है, तो ये एक चीज़ का ख्याल रखें। बाय द वे आज मैं कोई फर्स्ट इम्प्रेशन शेयर नहीं कर रही हूँ, बस रिसीव हुआ है। आज मैं हेयर वॉश करूँगी जो मेरे ऐसे हो गए चप्पू चप्पू से एंड देखते कैसा है। आफ्टर डांस परफॉर्मेंस प्रैक्टिस खा रहे हैं हमारे मामा के हाथ का शेफ का, क्या है ये पास्ता शेफ शेफ ने क्या बनाया बोले मौसी, आज की मेहंदी ऑफ द डे है ये, तो ऐसे दिखाऊंगी। ओके ये लगाया है मैंने मेहंदी,
इस बार की कुछ उतनी खास नहीं लग रही है ना, तुमको कैसे लग रही? हाँ अच्छी नहीं लग रही तो फिर नहीं क्यों बोले? मतलब मैं नहीं बोलूंगी तुम भी नहीं बोलेंगे? मम्मी बेइज्जती अभी कल लगाऊंगी। सच बताओ तो मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है मेहंदी लगाने की, पर मम्मी बोल रही है मेहंदी लगा। अभी सोचूंगी कि इतना प्यारा नेल आर्ट है ना, तो मैं सोच रही हूँ नहीं लगाऊं। अब देखते हैं मूड होगा तो लगाऊंगी, नहीं तो नहीं लगाऊंगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और सच बताऊं तबीयत ही खराब है, शादी के बाद भी तबीयत खराब हो गई। ये मेहंदी मैंने बड़ी मुश्किल से लगाई थी, एक ही हाथ में लगाई थी, एक ही साइड में। और कल भी मैंने कुछ नहीं किया, मतलब कल भी मैं हल्दी में भी नहीं गई, और आज संगीत है और सुबह का संगीत है, तो मुझे फटाफट से तैयार होना है अभी। और संगीत का जो चीज़ है वो अपनी सजा लाचा डिसाइड किया है, तो हम वही पहने। और तो मेरे पास में कोई भी न्यू लाचा नहीं है, तो मैं पुराना ही पहनूंगी, मैंने फिर भी ट्राई नहीं किया है, तो वही सब पुराना ही पहने यार। और ना मुझे अल्सर्स भी आ रहे थे, मेरे लिप्स आपको दिख रहे हैं स्वेलन, तो इसकी वजह से यहाँ अल्सर्स पे, इसलिए यहाँ पे पूरे गले पर अल्सर्स हुए। क्या इशू है, फंक्शन के टाइम पे इसको आना था। खैर आज इस बार की मेहंदी थोड़ी बारीक बारीक भी लग रही है। अभी आप लोगों को देखो मैं इतना अच्छे से तो भी बोल रही हूँ, अदरवाइज मैं कल रात से सुबह सोई नहीं हूँ, मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं होगी। और मैं गई ही नहीं शादी वाले घर में, गई थी फटाफट से नहाते हैं और बाकी की तैयारी करते हैं।